नमस्कार दोस्तों, आप सभी ऋषभ पंत को दुनिया भर के सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में, जिस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ताबड़तोड़ गेंदबाजी सब कुछ देखने के लिए मिला, लेकिन सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से देखने के लिए मिला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनके बदौलत 89 के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को ऑल आउट कर देते। इतने ज़्यादा दिल्ली कैपिटल्स की खौफनाक गेंदबाजी चली और बल्लेबाजी करके आके जीत जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स के हार के बाद सुमन गिल और ऋषभ पंत के छुए पैर। जी हाँ दोस्तों, सुमन गिल जो है बड़े भाई मानते हुए ऋषभ पंत को छुए पैर, और वजह जानकर आप सभी करोगे उनको सलाम। आपको बता दें, सारा तेंदुलकर से लेकर के सचिन तेंदुलकर भी दे दिए इस पर बड़ा बड़ा बयान और ऋषभ पंत पर दे दिए बड़ा अपडेट। ऋषभ पंत काफ़ी ज़्यादा ये विकेट कीपर अच्छे बल्लेबाज है। इस मुकाबले में विकेट कीपिंग से भी सभी का दिल जीता है। जो 3 स्टंपिंग की है, जो कैचे पकड़े हैं, उससे ये पता चलता है जो कि ऋषभ पंत अभी भी फिट है। उसके बाद सारा तेंदुलकर की बयान सुनिए, कह रहे हैं मेरे गिल तो पंत का पैर छुए, अब तो अगला मैच हमारी टीमों को जीतना तो तय है। उधर से सचिन तेंदुलकर क्या कह रहे हैं, तुम क्या बोल रही हो, इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सुमन गिल न कर सके, जिस कारण से गुजरात टाइटंस को मिली है सरबनाखार। नहीं तो इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस बड़ी आसानी से इस मुकाबले में जीत जाते दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, अगर यहाँ पर 150 से ऊपर का स्कोर बनाते तो। तो चलिए दोस्तों, आई होप अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।